अगर आपके परिवार में या बच्चों के साथ या रिश्तों में रहती है प्रॉब्लम कि आप जब चाहें कोशिश बहुत करते हैं लेकिन फिर भी आए दिन तू-तू-मैं मैं हो जाती है या बहस होती है या भरोसा ही नहीं एक दूसरों पर, तब करें क्या? आज इस एपिसोड में कुछ अपनी टिप्स लेकर आई हूँ इसी विषय पे, जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो, जहां हर हफ्ते मैं आपके साथ हिंदी और इंग्लिश में कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु से जुड़ी हुई कुछ प्रैक्टिकल बातें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। आज इस एपिसोड में शेयर कर रही हूँ कि अगर आपको कभी ऐसा एहसास हुआ कि जैसे ही आप घर में घुसते हैं और आपको गुस्सा बहुत आता है या ना चाहते हुए भी बहस बहुत हो जाती है, फिर चाहे अपने पार्टनर से हो या बच्चों से हो, आपके अलावा औरों की भी ऐसी हालत है कि उनके लगता है कि घर में शांति ही नहीं रहती, मज़ा ही नहीं आता, बाहर रहते हैं तो ठीक रहते हैं और घर में एक व्यक्ति बड़ी मेहनत करता है कि सब खुश रहें, बाकी सब में आए दिन बहसबाजी होती है या पलट के जवाब देते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो वेल, यू आर इन लक, आज इसी विषय में बात कर रही हूँ। इससे पहले शेयर करूं, जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जुड़ जाएं इनविंसिबल परिवार से। बातों ही बातों में ये भी कहूंगी कि आप में से बहुतों के क्वेश्चंस थे कि आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर कर रही हूं और स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जहां पे अगर आप ग्रुप से जुड़ जाते हैं तो वहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आने वाले सिर्फ न्यूमरोलॉजी कोर्स की नहीं, कुछ और भी बातें मैं शेयर करना शुरू करने वाली हूँ। वेल, आज क्योंकि एपिसोड है रिश्तों के बारे में, अब देखिए हर चीज का मैजिक टिप तो पहला ये है, एंड पर्सनली मैं भी ये करती हूं कि जब आपका परिवार है, हर चीज पे यू कैन नॉट फस, हर चीज पे आप अपनी बात नहीं मनवा सकते। टॉप थ्री थिंग्स, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की टिप्स के साथ एक रियलिस्टिक टिप दे रही हूं ये, कि हर चीज पे अगर आपको लगे कि सब मेरी बात माने तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इंस्टेड, टॉप थ्री मेरा पर्सनल फेवरेट ये है कि बच्चों के साथ ये टॉप थ्री चीज़ें मेरी अपनी हैं, नॉन नेगोशिएबल। पढ़ाई में अपना पूरा फोकस दीजिए और भी आपकी जो हो, तो टॉप थ्री बातें हैं जो कोई भी आर्ग्यूमेंट या बहस नहीं हो सकती। बाकी चीज़ों में अगर बच्चों को मूवी देखनी है या वीडियो गेम खेलना है या घूमना है, अगर आपकी पढ़ाई के ग्रेड्स अच्छे हैं जो आपकी आपने तय किए हैं, या बच्चों के साथ जो चीज़ें हैं कि अपना रूम ठीक होना चाहिए या अस्त व्यस्त ना हो, घर में भी हेल्प करानी चाहिए या जो भी है, तो डेफिनेटली ये एक अपना घर में बच्चों के साथ बात करें, परिवार के साथ, फिर चाहे बच्चों के साथ रिलेशनशिप हो या स्पाउस के साथ, आप अगर हर चीज़ पे नोक टोक करेंगे किसी को तो उसे पसंद नहीं आएगा, तो ये रूल बहुत हेल्प करता है रिश्तों में प्यार बना रहे। अब दूसरी चीज़ कि वास्तु के अनुसार ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसा डायरेक्शन है जहाँ पे घर में खुशियाँ रहती हैं, लोगों को मज़ा आता है घर में रहने पे और क्रिएटिविटी रहती है, यानी दिमाग चलता है कि क्या करना चाहिए रचनात्मक कार्यों के लिए। अब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या हुआ? ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की दिशा। अब आप दिशा कैसे लें? आप अपने घर में घुसिए, घर की चौखट पर खड़े होकर घर के अंदर की तरफ हाथ में कंपस लेके देखें कि आपके घर में ईस्ट दिशा कहाँ पे है और नॉर्थ ईस्ट कहाँ है। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की, यानी पूरब और उत्तर पूरब के बीच की दिशा है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व, वो जगह है, वो दिशा है जहाँ से घर में खुशियाँ रहती हैं। देखिए कहीं उस जगह पे आपने लाल रंग का इस्तेमाल तो नहीं किया, पीला तो नहीं लगाया हुआ है। अब वो फर्नीचर में हो सकता है, आपके पर्दे हो सकते हैं, बेडशीट्स हो सकती हैं, तो रंगों को यहाँ पे आइडियली सिर्फ हरा रंग होना चाहिए या हल्का भूरा रंग, लाइट ग्रीन या लाइट ब्राउन। किचन तो नहीं है, टॉयलेट तो नहीं है, तो अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे पॉट के चारों तरफ नीचे ज़मीन पे आप ग्रीन टेप लगा सकते हैं। किचन है तो कुक टॉप है, अब हटा नहीं सकते, तोड़ना नहीं, तो ग्रीन कलर का छोटा सा कुछ नीचे रख लिया। वो इस दिशा में आपके घर में अगर खुशियाँ नहीं हैं, आए दिन तू तू मैं होती है, नोक झोंक होता है, तो ग्रीन यहाँ पर रहना चाहिए, रेड निकालिए, येलो नहीं होना चाहिए, सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए। अब ये वो दिशा है जो आपको खुशियाँ देती है। वेल,
घर में, रिश्तों में, चाहे आपके स्पाउस के साथ, इन-लॉज के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी रिश्ता बनाए रखना है, तो यहां पे आप रखें ये ग्रीन कलर की, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्फिनिट हैप्पीनेस नॉट। हरे रंग में ही आपको करना है ग्रीन कलर का सर्कल, आप अपने हाथ से बना सकते हैं। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ही लगाना है, किसी दिन भी लगा सकते हैं, और ये लगा रहे, किसी पर्दे के पीछे रह सकता है, दीवार पे ऐसा रहे, सामने दिखे सबको, ये भी जरूरी नहीं। ये है इन्फिनिट हैप्पीनेस, आपके घर में अपार खुशियां बनी रहे, एक दूसरे के साथ आप समझ सके, बहुत जरूरी है। और हाँ, बोनस टिप जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को अपना घर में बिल्कुल ठीक रखिए, और उस डायरेक्शन की खुशियों में इजाफा हो, बढ़ोतरी हो। ये इन्फिनिट हैप्पीनेस सिंबल आप लगाएंगे, और चाहूंगी कि जरूर कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। ये तो बात हुई कि कैसे अपने घर में खुशियों के लिए आप पहले रियलिस्टिक हो जाइए, कौन सी दिशा रिस्पॉन्सिबल ठीक रखिए, और उस दिशा की एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये जो भी आपके साथ मैंने इन्फिनिट सिंबल्स शेयर किया, वो आप अपने हाथ से बना सकते हैं और क्रिएट करें। देखिए, 3 दफा है बना हुआ इन्फिनिट सिंबल, वैसे ही ड्रॉ करिएगा। अब इसके अलावा घर में दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है, जो पितरों का भी स्थान होता है, लेकिन घर में खासतौर पर कपल्स के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अहम जगह होती है। इस जगह पे लाल रंग और नीला रंग नहीं होना चाहिए। आप जरूर देखें कि कहीं आपके बेडरूम का कलर ही तो नहीं है लाल, या बेड पे आप डार्क कलर की बेडशीट्स लगा रहे हैं, लाल और नीला बहुत सारा कर रखा है, प्लांट्स लगा रखे हैं, तो भी आपको लगेगा कि आपके हस्बैंड के साथ प्यार में कमी आ गई है, या झगड़ा होता है, या आप इतनी मेहनत करते हैं परिवार को संजो कर बना के चलने की, फिर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप अगर आपने लाल और नीला लगा रखा है। साउथ वेस्ट को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, यानी कि अब कुछ लोग कहते हैं भारी रखना चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, इन द सेंस ये रंग ना हो। आपका बेडरूम है तो साफ सुथरा रहना चाहिए, और बेडरूम में कांटे वाला कोई पौधा कभी भी ना लगाएं, और पूजा स्थान बेडरूम में ना बनाएं। अब आप में से बहुतों के ये क्वेश्चंस होंगे कि अगर किसी का एक कमरे का ही मकान या घर हो, तो जहां पे आप हस्बैंड वाइफ साथ सोते हैं, कम से कम आपके पैरों में, आपके सामने नहीं, एक डिवाइडर बना लीजिए कि ये एरिया हमारा बेडरूम का है। ये मेंटली अगर दीवार नहीं लगा सकते, दिमाग में भी ये बात आए कि ये दायरे की उधर पूजा स्थान है, ये दायरे की उधर रसोई है, ये दायरा है हमारे सोने का, तो एक पर्दे जैसा लग जाता है, एक इंटेंशन कि ये आपका एरिया है। क्योंकि आप ऐसा सोचिए, मंदिर में अगर आप सो रहे हैं जहां पे पूजा स्थान भी है, तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम तो आएगी। लोग मंदिर जाते हैं, सोने नहीं जाते, ईश्वर को अपनी पीड़ा देने जाते हैं, हे ईश्वर तू मेरी पीड़ा हर ले, मेरे जीवन से परेशानी हर ले। तो जब आप जहां सो रहे हैं वहां ईश्वर को स्थापित करते हैं, तो मंदिर हो गया ना। मंदिर में सो के शादीशुदा अगर रिश्ता है व्यक्ति का जो फिजिकल रिलेशनशिप है, तो वहां की एनर्जीज में डिफरेंस आ जाएगा ना। मंदिर मंदिर है, और लोग प्रॉब्लम्स देते हैं, जब आप मंदिर बना रहे हैं जहां सो रहे हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम नहीं जाती। दोनों एनर्जीज अलग है, एक कमरे का भी मकान या घर है आपका, तो एक दायरा साफ रहे कि ये यहां हम सोते हैं, ये रसोई है, ये पूजा की जगह है। ये तो हुई बहुत बड़ी बात की, आप में से शायद आप लोग कहेंगे तो फिर क्या करें। अब पूजा स्थान के लिए जरूरी नहीं एक कमरा हो, एक पूरी की पूरी अलमारी हो, छोटा सा भी दायरा काफी है। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि मुझे सोने का ही राज सिंहासन चाहिए, ईश्वर तो कहता है तूने बस मन में याद किया वही बहुत है, थोड़ी सी भी जगह पूजा की बहुत है। अब ये रहा बोनस टिप, रिश्तों में प्रॉब्लम रहती है आपको और आप बड़े परेशान हैं, जब लगे कि आप बात कर रहे हैं, बात कहीं की कहीं और निकल गई, या बहस हो रही है, मारपीट पे बात आ गई है, या अपशब्द बोले जा रहे हैं, या आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, तुरंत मन में चैंट करना शुरू करिए ये स्विच वर्ड हार्मनी हार्मनी हार्मनी, ये याद रहे बहुत सरल सा है। और किसी के साथ भी बहस होती है, ये याद रहे बहुत है, नहीं तो आप फ्लाई पेपर फ्लाई पेपर फ्लाई पेपर भी कह सकते हैं। और अगर रोजाना का ये है घर का हाल, इन लॉज के साथ, आपका खुद के साथ डिस्टर्बेंस रहता है रिश्तों में, तो ये जो स्विच कोड देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 6-5, अब देखिए थोड़ी सी जगह छोड़ी है, फिर 6-2, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी है 7-9-2, आप ये भी लिख सकते हैं नीले रंग की पेन से अपने लेफ्ट हैंड पे कहीं पे भी छोटा सा। अब ये क्यों, ये वो स्विच कोड है जो आपके रिश्ते में परिवार में हार्मनी ले आता है, यानी एक दूसरे को लोग समझे, शांति रहती है घर में, एक दूसरे की बात शांति से समझे, एक दूसरे को सुने, तो और घर की एनर्जी में शांत वातावरण हो जाता है। ये इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप में से बहुतों के क्वेश्चन हो सकते हैं कि
मैंने पहले भी स्विच वर्ड शेयर किए हैं, तो वो करें या ये करें। अब देखिए, जैसे आज मेरी आवाज़ में आप सुन रहे हैं कि अभी भी मेरी गले में जो ठंड लगी है गया नहीं है, अभी सर्दी गई नहीं है। तो इस वक्त अगर मुझे जो दवाई लेनी होगी वो सर्दी से जुड़ी हुई होगी। अब अगर आपके जीवन में जो परेशानी है इस समय की, उस परेशानी से जुड़ा हुआ ही स्विच वर्ड करें, क्योंकि वो दवाई स्वरूप ही हुआ, उसका समाधान और रेमेडी ही है ना। तो आपको जीवन में इस समय जो परेशानी है उससे जुड़ी हुई ही बातें आप करें। ज़रूर चाहूँगी कि आप शेयर करें अपने कमेंट्स में कि रिश्तों में जो ये प्यार और खुशियाँ लाने के लिए आज मैंने ये एपिसोड पे आपसे बातें शेयर करी, उसको करने के बाद आपके जीवन में आपको क्या पॉजिटिव अनुभव मिले, शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, आप में से बहुतों के क्वेश्चंस थे कि मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल एड पे बातें करें, तो अगर इन सब से जुड़े हुए आप वीकली एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो जुड़ जाएं मेरे दूसरे चैनल जुनून से, जहां हर हफ्ते ट्यूसडे को मैं इन विषयों पे नया वीडियो रिलीज करती हूँ। मिलती हूँ आपसे, टेक केयर।